होता था कि उसको क्यों लेके जा रहा है, उसके साथ क्यों घूमता है, लेकिन उनको ये चीज। तो फाइनली गाइस मनोज भाई की शादी हो चुकी है, जैसा कि आप लोगों को पता ही लग गया है। तो आज हम बताने वाले हैं मनोज जी का कारण क्या था, ऐसा क्या था कि उन्हें शादी करनी पड़ी और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी। मैं बताता हूं कि मनोज जी ने खुद ही से ही जाहिर किया है कि उन्हें कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी। उनके घर वाले में झगड़ा हमेशा ही मचा रहता था, दोनों के आपस में बीच में झगड़ा होता रहता था। इनको कहीं भी बुलाया जाता था तो दोनों को एक साथ बुलाया जाता था, जैसे कि अगर किसी की शादी हो या रेस्टोरेंट ओपनिंग या किसी इवेंट में भी इन दोनों को एक साथ ही बुलाया जाता था, जिनमें इन दोनों की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी और इन लोग के परिवारों को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मनोज अलग कास्ट के थे और ज्योतिश्री अलग कास्ट की, जिनसे इन दोनों के परिवार में मतलब ठीक ठाक अच्छे से नहीं बनती थी। इन दोनों को मतलब जलनस फील होती थी दोनों परिवारों को एक दूसरे को देखकर। तो फिर भी अगर ये लोग अपना कुछ का करते हैं और अब ये दोनों ही मैच्योर हैं तो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो इस तरह इन लोगों ने अपना स्वयं डिसीजन लिया और शादी की है। आप लोगों को बताता हूं कि मनोज डे खुद अपने इस वीडियो में बता रहे हैं कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। आइए हम देखते हैं। मुझे दोस्तों शादी इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं क्या होता था कि उसके साथ कहीं अगर मैं घूमने भी जा रहा हूँ या फिर उसको कहीं लेके जाता था तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता था, घर में बहुत ज्यादा किचकिच होती। तो दोस्तों इतनी दिक्कत आने के बाद ही कोई बंदा ये कदम उठाता है, मतलब डिसीजन लेता है आखिरकार शादी करने का, उसको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। तो इसलिए उन्होंने यह शादी कोलकाता में जाकर अपने एक फ्रेंड्स के घर पे जाकर यह शादी की है। दोस्तों काफ़ी अच्छी रही है, बाकी यह दुख है कि इनके परिवार वालों में से कोई नहीं रहा। मनोज जी ने भी अपना दुख बताया है कि हमारे साथ कोई नहीं रहा सिवाय दोस्त के कुछ। तो दोस्तों भले ही दोस्त थे तो काफ़ी अच्छी रही है शादी। तो आप लोगों को कैसी लगी इनकी वेडिंग, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में बताएं। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।